अब हम विप्रो का एग्जांपल देख रहे हैं, आप देख सकते हो कि विप्रो में नीचे एक तो डोजी कैंडल बन रही है। डोजी कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है, ये देखो ये वाली जो कैंडल है, ये जो ये वाली, इसको आप यहाँ जो डोजी कैंडल बन रही है इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ना तो बायर्स एक्टिव है ना सेलर्स, मतलब दोनों ही बराबर कोशिश कर रहे हैं, बायर्स कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस को इंक्रीज़ करने की, और ये है डोजी कैंडल, और सेलर्स कोशिश कर रहे हैं, देखो यहाँ तक तो सेलर्स हैवी थे, ज़्यादा थे, वो क्या कर रहे थे प्राइस को 410 से नीचे लेके आए, 385 तक लेकर आए, लेकिन नीचे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल या शूटिंग स्टार कैंडल ये कैंडल बनी, इसके बाद क्या हुआ, अगली कैंडल थी उसमें बायर्स एक्टिव हो गए, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेट कर रहा था, ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन दे रहा था, तो उसके बाद बायर्स एक्टिव हो गए और उन्होंने क्या करा, ओपन भी यहीं पे हुई इस कैंडल में 390 पे, और बायर्स क्या करा उन्होंने प्राइस को इंक्रीज़ किया, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ, सेलर्स भी एक्टिव थे और बायर्स भी, ना तो ज़्यादा बायर्स थे ना सेलर्स ज़्यादा थे, तो दोनों की वॉल्यूम बराबर थी, जिसके कारण जहाँ पे ओपन प्राइस था वही क्लोज प्राइस हो गया, तो जो विप्रो था स्टार्टिंग में 390.45 पे ओपन हुआ था और उसी प्राइस पे क्लोज हो गया। अगर हम आगे का टारगेट देखें तो फर्स्ट टारगेट मुझे जो दिख रहा है कि अगर मार्केट में बुलिशनेस आती है, विप्रो के स्टॉक में बुलिशनेस आती है, तो 395 पे ये फर्स्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे 400 पे ये सेकंड रेजिस्टेंस, तो 395 तब उसका सपोर्ट हो जाएगा, 400 तक जा सकता है, उसके बाद यहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेज़ में है विप्रो, मतलब कभी बायर्स ऊपर ले जाते हैं तो सेलर्स नीचे कर देते हैं, बायर्स ऊपर लेकर जाते हैं तो सेलर्स नीचे कर देते हैं, बायर्स ऊपर लेकर जाते हैं तो सेलर्स नीचे कर देते हैं, तो ये लेवल और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है विप्रो में, 400 से लेके 410 तक, अगर इसको बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा रही तो वो इस लेवल को ब्रेक कर सकते हैं, अगर सेलर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है तो नीचे के लेवल हम देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं हम, अगर हम देखें पीछे के लेवल, अगर हम देखें तो ये 385 है, 385 पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, और उसके बाद ये वाला स्विंग, ये भी 375, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, मतलब अगर लेवल, अगर सेलर्स आ जाते हैं तो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है प्राइस, और उससे ऊपर यहाँ पे, ये दो तीन लेवल हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। ओके।